पक्का बन रखा है। अब यहाँ पर फाइट देखनी पड़ेगी, वैम्पायर वहां पर खत्म होते हैं, टीम मेहम एलिमिनेट हो जाती है सेवन स्पॉट पे, एंड फनाटिक अभी भी फाइट के लिए पूरा तैयार है, बट एनडीटी की प्लेयर्स चारों के चारों अलाइव एंड वो फाइट्स के लिए हर तरफ से तैयार, उनको सामने प्लेयर्स दिख रहे हैं। एनडीटी एक्जिस्टेंस का हेडशॉट लिया जा सकता है, बट एज ऑफ इट वॉज नॉट अ हेडशॉट, एंड ओआरबी ऑफिशियल वहां पर डाउन दिखे हुए, एंड एक्जिस को डाउन किया पायलट सेकंड शॉट बाय जोनाथन, एंड एक और शॉट उन्होंने लिया काफी अच्छे तरीके से, नीन उसके वहां पर प्लेयर एंड एक्जिस्ट शायद जाएंगे अपने रिवाइवल के लिए एज ऑफ नाउ। सो एनडीटी जोनाथन दूसरी तरफ फाइट लेना चाहेंगे, इनके एक एरिया पर एमजीजेड का स्क्वाड है, इनके और सारे के सारे टीम्स के बीच में एकदम बीच में गॉड्स का स्क्वाड है जो कि जोन का एक एरिया होल्ड करके बैठे हुए, एंड बाकी सब टीम्स को जोन के अंदर आना पड़ता है। थ्रोएबल्स का काफी अच्छे तरीके से यूज किया जा रहा है जस्ट टू कंफ्यूज द प्लेयर्स एंड टू मूव फॉरवर्ड इनटू द जोन। एग्जैक्टली राइट नाउ फनाटिक यहां पे फिफ्थ टॉप 5 पोजीशन में आते हुए, एंड जेड यहां पे यू नो 7 किल्स के साथ दे आर लुकिंग स्ट्रांग, 3 प्लेयर्स के साथ, गॉड्स का एक भी प्लेयर अगर दिखता है उन्हें तो टेक डाउन करेंगे। बीआरडीएम है यहां पे और वो भी 2 बीआरडीएम है गॉड्स के पास, दैट्स लुकिंग ऑसम फॉर देम क्योंकि वो लोग कहीं से भी कवर बना सकते हैं, बट अगेन उनको बैक स्टैप होगा वहां पे। गॉड दक्ष यहां पे मुझे लग रहा है बीआरडीएम से कुचलने वाले प्लेयर्स को, एंड देयर यू गो वही हो रहा है, एंड वो पूरा रोक जा रहे हैं वहां पे सबको कुचलने के लिए, दैट्स इनसेन बाय गॉड्स ओवर देयर, एंड फनाटिक ओवेस हैज बीन टेकन डाउन ओवर देयर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस फॉर फनाटिक हैज बीन एलिमिनेटेड एट फिफ्थ पोजीशन, बट गॉड्स लुक एट देम वो लोग सिर्फ गाड़ी चला रहे हैं एंड प्लेयर्स को टेक डाउन कर रहे हैं। बीआरडीएम इज गोइंग रियली रियली स्ट्रांग इन दिस गेम, एंड एनडीटी गेमिंग इज ऑन द किलिंग स्पी वंस अगेन, गॉड्स के प्लेयर्स वहां पर डाउन करते हैं, सी गॉड डाउन हो चुके हैं, गॉड्स इट्स किक की बीआरडीएम को यूज करते हुए, दैट्स अ न्यू स्ट्रेटजी डिफरेंट स्ट्रेटजी, बीआरडीएम रुकने का नाम नहीं ले रही है, प्लेयर्स सामने आ रहे तो उनको डाउन किया जा रहा है, बट अब बीआरडीएम शायद खत्म हो जाएगी, एंड यहां पर फाइट आएगी गन स्किल्स की, बिकॉज़ गॉड्स वर्सेस एनडीटी इट विल बी 4v3, बट देन घातक डाउन हो चुके बाय विशियस, घातक को कंफर्म किया जा चुका है, एंड यहां पर यूज कर रहे हैं ये बीआरडीएम को इतने अल्टीमेट तरीके से, एक प्लेयर बचता है, गन स्किल्स पूरे पूरे काम आ सकते हैं, बट केके डाउन हो जाते हैं वहां पे, इट्स डाउन टू मनु एंड विशियस एंड नियो, एंड अ फाइनल प्लेयर बचता है एनडीटी की टीम के लिए, बट विशियस को आगे मुंह करना पड़ेगा, 2v2 का फाइट है, दिस इज डाउन टू द एयर फाइट फॉर द फाइनल जोन, दोनों प्लेयर्स बचे हुए हैं, विशियस आगे मूव कर रहे हैं, 1v2 का फाइट है, नियो वांट्स टू टेक दिस फाइट ताकि एक चिकन डिनर जिसकी कि उनको तलाश यहां पर निकाल सके, दे हैव डन सो मच ऑफ दिस हार्ड वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज यहां पर बीआरडीएम को भी ब्लास्ट किया गया, बट नियो को पीछे के एरिया को देखना पड़ेगा, वहां पर मनु को डैमेज किया, एक फिर को डाउन किया, एंड एनडीटी टेक्स दिस चिकन डिनर इन देयर ओन हैंड्स विद अ किलिंग स्प्री, एंड आई गेस 12 13 किल्स इन एन अमेजिंग अमेजिंग वे। एंटिटी गोइंग ऑल आउट यहाँ पे, बट गॉड्स ने भी यहाँ पे क्या परफॉर्म किया था, बट लास्ट में जो 1v2 जो किया गया है वो सुपर्ब था, वहाँ पे क्रॉस एयर से मेरे ख्याल से 1v2 किया गया था, वहाँ पे ADS भी नहीं खोला था, एंड दैट वाज एक्चुअली अ गुड चांस फॉर गॉड्स टू गेट दैट अमेजिंग चिकन डिनर। यहाँ पे वो लोगों ने यू नो बीआरडीएम का क्या यूज किया था, बट देन अगेन लास्ट में ज्यादा ओवर कमिट कर दिया उन्होंने, जब आग निकल गई थी वहां से उतर जाना चाहिए था, बट आई गेस उनको पता नहीं होगा कि आग निकल रही है बिकॉज FPP। बिल्कुल सही बताया, बट यहाँ पे जो जोनाथन वहाँ पे नॉक हुए, फिर उसके बाद एंटिटी का स्क्वाड वुड भी लाइक कि हो क्या रहा है, फिर बाद में नियो ने जो वहाँ पे संभाला, जो प्रोन होके पेशेंटली वेट करें, वो बीआरडीएम देख के वहाँ पे